अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान ने हालिया पोस्ट में को एक्टर फिरोज खान को लेकर कुछ आरोप लगाए थे, जहां उन्होंने कहा था कि किस तरह सेट पर लेट जाने की वजह से एक्टर व डायरेक्टर ने उनके पैसे काट लिए थे। एक किस्सा ऐसा भी था जिसकी वजह से उन्हें गालियां भी सुनाई थी। अब पिता फिरोज खान के बारे में ये सब सुनकर फरदीन खान का खून खौल गया है। जीनत अमान के पोस्ट पर उन्होंने रिएक्ट किया है, यहाँ वह एक्ट्रेस पर निशाना साधते दिखे हैं। हुआ ये कि जीनत अमान ने शुक्रवार को फिरोज खान और अपनी एक फोटो शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी फिल्म कुर्बानी से जुड़ा किस्सा शेयर किया। एक्ट्रेस ने लिखा कि ये बात 70 के दशक की है, उन दोनों ने शानदार शुरुआत की थी। एक बार फिरोज खान ने उन्हें फोन किया और उनकी आने वाली फिल्म में एक रोल ऑफर किया, मगर एक्ट्रेस ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जीनत अमान का दावा है कि उनके द्वारा रोल ठुकराए जाने की वजह से फिरोज खान चिढ़ गए थे और उन्हें गंदी गालियां देने लगे थे। इस वजह से उन्होंने कान से फोन हटा दिया था। फिर कई महीने बीत जाने के बाद उन्होंने एक्ट्रेस को फिर से कॉल किया। इस बार फिरोज खान के शब्द थे, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, इसमें तुम्हारा लीड रोल होगा और प्लीज अब ठुकराना नहीं। फिर क्या, एक्ट्रेस ने इस बार कुर्बानी फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मगर जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो एक बार फिरोज खान ने उनकी पेमेंट काट ली थी, क्योंकि एक्ट्रेस एक दिन सेट पर देर से पहुंची थी। अब इन सब आरोपों पर फिरोज खान के बेटे व एक्टर फरदीन खान ने रिएक्ट किया है, जहां पिता को सपोर्ट करते हुए उन्होंने जीनत अमान पर निशाना साधा है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर फरदीन खान ने एक्ट्रेस की पोस्ट को शेयर किया और लिखा, जीनत आंटी, अगर ये सांत्वना है तो आपने तो परिवार को भी नहीं बख्शा, हमें तो अब जाकर सिर्फ 25% फैमिली डिस्काउंट मिलना शुरू हुआ था। मुझे यकीन है कि खान साहब आपके पोस्ट को पसंद कर रहे होंगे, जरूर वह जोर जोर से हंस भी रहे होंगे। मालूम हो जीनत अमान की शादी फिरोज खान के बड़े भाई संजय खान के साथ हुई थी। संजय खान रिश्ते में फरदीन के ताऊ जी हुए, मगर संजय और जीनत अमान की शादी महज कुछ महीने ही चली थी। दोनों के बीच काफी विवाद हुआ और कपल ने तलाक ले लिया था।